आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को DLED एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि रीजनिंग का सिलेबस जो है बदलाव हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आज ही जो है आपको हिंदी का, इंग्लिश का और मैथ का जो है सिलेबस आपको मिला है। वह जो मैं सिलेबस आपको बता रहा हूं और यह जो अब मैं सिलेबस बताने वाला हूं, यह सिलेबस कोई आम सिलेबस नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यह सिलेबस बनाने में मुझे पिछले 2 दिन से मैं लगा हुआ था, तब जाकर जो है ये परिपूर्ण हुआ है, तब जाकर जो है मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे, अब पूछेंगे सर कैसे 2 दिन लग गया आपको, तो मैं आपको बता दूं कि जब 2022 ईस्वी में आपके जो है सिलेबस क्या था कि आपके रीजनिंग का प्रश्न उसमें ज़्यादा था, अप्रॉक्स समझ गए, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि कम कर दिया गया है। तो जो प्रीवियस आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं 2022 में, DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 जो हुआ था, उसमें मेरे द्वारा जो है पूरा क्लास आपको दिया गया था। आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में वीडियो भी देख सकते हैं, या DLED क्लासेस 2022 मारिएगा या DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 मारिएगा, तो वहाँ पर मुझे ज़रूर पाइएगा। और मैं बता दूँ कि जब एग्ज़ाम 6 दिन आपके चले थे, तो मैं वो 6 दिन जो है अलग अलग सेंटर पर जाकर बच्चों से रिव्यू लिया था, ताकि आप सभी लोगों को मदद मिल सके कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आपके आ रहे थे। तो वह ब्यौरा जो मैं वहां पर आप सभी लोगों से पूछ रहा था, रिव्यू ले रहा था, तो मैं उसे नोट डाउन भी कर रहा था, ताकि आप सभी लोगों को बताने में दिक्कत नहीं हो। प्रीवियस में जो पेपर नोट डाउन किया था उसके एनालिसिस पर, साथ ही साथ जो बच्चों ने एनालाइज किया था, जो बच्चों ने बताया था आप सभी लोगों के लिए, उसके एनालिसिस पर मैंने केवल जो है यहाँ पर 12 चैप्टर आपको लिखा है जो इम्पॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। साथ ही साथ मैंने एक्स्ट्रा में यहाँ पर 3 चैप्टर लिखा है, इसे भी आपको पढ़ लेना है। अगर आप इतना चैप्टर, कहने का मतलब कि चैप्टर आपके रीजनिंग में 20-30 है, लेकिन आपको जो है जो यहाँ पर बताया गया है ना, वही पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर इसी चैप्टर से जो है क्वेश्चन भर भर कर आपके एग्जाम में दिए गए थे। अब पूछिएगा सर प्रीवियस ईयर दिए गए थे, इस वर्ष तो नहीं दिए गए थे ना, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कोई भी हम कार्य करते हैं तो प्रीवियस ईयर को लेकर चलते हैं, और प्रीवियस ईयर आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, आप रीजनिंग पूरा पढ़े, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को विश्वास कीजिएगा एक बार। और ये पूरा जो चैप्टर मैंने यहां पर 12 लिखा है ना, इसे जो है आप पूरी तरह से एकदम 100% आप इसको दिमाग में बैठा कर जाइएगा, क्योंकि यहां से आपको जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जो यहां पर आपका 12 जो चैप्टर लिखा हुआ है, जो बच्चे प्रीवियस ईयर एग्जाम दिए हैं 2022 में और किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पाया, कम नंबर की होने की वजह से या डॉक्यूमेंट में दिक्कत था, तो उन बच्चों से पूछिएगा जो मैं अभी चीजें बता रहा हूं, तो वह बच्चे भी मुझे कमेंट करके नीचे बताएंगे कि क्या यह बात जो है सही है कि गलत है, क्योंकि यहाँ जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ यह पूरी तरह 100% आपके जो है प्रीवियस ईयर एनालिसिस, प्रीवियस ईयर आपके जो है क्वेश्चन से टकरा कर हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जो है जब आपका एंसर की रिलीज हुआ था, जब आपका एंसर की आया था, तो उसमें क्या था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है बच्चों को मिला था, डाउनलोड होने पर मिला था, तो वो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है, तो मैं उसके एनालिसिस पर, साथ ही साथ बच्चों ने जो रिव्यू दिया था और मैंने जो नोट डाउन किया था वहाँ सेंटर पर पहुंचकर बच्चों से पूछकर, उसके एनालिसिस पर मैंने ये चैप्टर को दिया है। जो पुराने बच्चे हैं उनको समझ में जरूर आएगा। तो हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर, और रीजनिंग में आपके जो है केवल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर सिलेबस जो है चेंज हो गया है और निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कम कर दिया गया है। कम से कम इसमें भी 20 क्वेश्चन होना चाहिए, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कम कर दिया गया है। तो जिनका रीजनिंग मजबूत था उनको थोड़ा दिक्कत होगा, अब उनको मैथ और उनको हिंदी बेहद जरूरी है पढ़ना, उनको समझ गए, बाकी आपका सेम सिलेबस है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो चैप्टर आपका 12 है, हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपका पहला चैप्टर जो है कोडिंग और डिकोडिंग है, इससे आपको जो है 1 से लेकर 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिला था इसके पहले, लेकिन इस वर्ष जो है आपका 1 ही प्रश्न आएगा कोडिंग डिकोडिंग से, याद रखिएगा, समझ गए, कोडिंग और डिकोडिंग से 1 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पर है श्रृंखला, ऑल टाइप सीरीज, जिसे हम सीरीज बोलते हैं, श्रृंखला में आपका नंबर वाला श्रृंखला होता है इस तरह का, मान लीजिए यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ पर 16 लिख दिया खाली स्थान, यहाँ पर आपका 64 लिख दिया, इस तरह का, समझ गए। तो इस तरह से जो प्रश्न पूछा गया था,
इस तरह से प्रश्न श्रृंखला वाले हो गया, ये नंबर वाला हो गया, अल्फाबेट वाला मान ले कि ये लिख दिया, डी लिख दिया, खाली स्थान यहाँ पर एल लिख दिया, तो ये जो है आपका अल्फाबेट वाला हो गया। तो उसी तरह जो है श्रृंखला से प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर एक से दो प्रश्न पूछे गए थे, तो इस वर्ष भी जो है आपके एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, समझ गए। फिर आपका जो है सम और विषम, ऑड मैन आउट, मतलब कि क्लासिफिकेशन से आपके जो है प्रश्न पूछे गए थे, एक मतलब कि निम्नलिखित प्रश्नों में से विषम कौन है, मान लें कि मैं यहाँ पर राम लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर मोहन लिख देता हूँ, समझ गए, फिर यहाँ पर श्याम लिख देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर सीता लिख देता हूँ, तो बताइए कि ये प्रश्न में ये चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, राम मोहन श्याम सीता, इसमें विषम कौन है, तो देखिए आपको भी मालूम होगा कि राम लड़का है, मोहन लड़का है, श्याम लड़का है, लेकिन सीता क्या है, लड़की है, तो लड़की विषम हो गई। वही जो है यहाँ पर सम और विषम से जो है आपको एक प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछा गया था और इस वर्ष भी जो है आपसे पूछा जाएगा, समझ गए मेरी बात को। अगला यहाँ पर है लुप्त संख्या, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर ज्ञात करें, वही बात आ गया आपका मिसिंग नंबर, मान लें कि कोई यहाँ पर एक सीरीज दे दे कि यहाँ पर आपको लिख दिया चार, मान लें कि यहाँ पर चार लिख दिया, छह लिख दिया, आठ लिख दिया, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर बारह, तो ये जो क्या है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, इससे प्रश्न आपका पूछा गया था, मिसिंग नंबर से दो प्रश्न पूछा गया था, या फोटो बनाकर पूछ लिया, इस तरह का कोई फोटो बनाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और यहाँ पर चार छह ऐसे लिखकर यहाँ पर खाली स्थान, उस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो मैं आपको वही चैप्टर, वही प्रश्न, वही थ्योरी आपको बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर बताया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जानना बेहद जरूरी है, समझ रहे हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर खुद आपके सेंटर पर पहुंच कर रिव्यू लिया था पिछले पाँच दिन, जो मतलब जो एग्जाम हुए थे पाँच दिन जो है मैं सही से न सोया था न सही से खाना खाया था, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया था, हर जगह सेंटर पर जाकर रिव्यू लेना, उसको अपलोड करना वीडियो को, फिर अगले दिन जाने के लिए वहां जाना सुबह तैयार होकर, क्योंकि सुबह से एग्जाम होते थे, तो ये जो है बड़ी दिक्कत वाली काम थी, लेकिन मैंने आप सभी लोगों के लिए किया है। और आप सभी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग सर्च मारे गूगल पर या यूट्यूब पर डीएलएड रिव्यू 2022, डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम रिव्यू 2022, तो वहां पर मुझे जरूर आप पाइएगा, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसको हम इसलिए इम्पॉर्टेंट लगाएंगे ना कि प्रीवियस ईयर जो है ये वाला जो टॉपिक था बच्चों को रुला दिया था। ये देखिए कथन निष्कर्ष, मतलब कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे मैं आपको बता दूं कि कथन और निष्कर्ष जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको आप इम्पॉर्टेंट नहीं मोर इम्पॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि इससे आपको 8 से लेकर 10 प्रश्न जो है पूछा गया था, 6 से लेकर 8 प्रश्न पूछा गया था, समझ गए। ये याद रखिएगा, जो पुराने वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रियल क्वेश्चन है कोई छापा नहीं होगा, क्योंकि रियल क्वेश्चन में भी बहुत कम ही जो है प्रकाशन को मिलता है। मेरे पास इसलिए आ गया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आंसर की डाउनलोड करके मैंने दिया था, और मेरे पास प्रश्न वो है जिसमें जो है कथन निष्कर्ष से जो है 8 से 10 प्रश्न, 6 से 8 प्रश्न पूछा गया था। और जो पुराने बच्चे जो इस वर्ष देख रहे हैं मेरी वीडियो को, वह जरूर कमेंट करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गलत है, क्योंकि मैं गलत नहीं बताता हूँ, इसलिए आप सभी लोगों के हाथ में छोड़ता हूँ। जो पुराने बच्चे एंट्रेंस दिए थे लेकिन नंबर नहीं होने की उनका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उनको क्वेश्चन तो मालूम होगा ना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए जो है कथन निष्कर्ष मोर इंपॉर्टेंट, समझ गए। यहां पर देखिए अगला जो यहां पर आपका है वेन आरेख, वेन डायग्राम से जो है आपका एक प्रश्न पूछा गया था, वेन डायग्राम से एक प्रश्न पूछा गया था। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से भी जो है आपके रक्त संबंधित से एक प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाएगा इस वर्ष भी, समझ गए। डायरेक्शन से जो है आपके एक प्रश्न पूछा गया था, डायरेक्शन से, समझ गए। अगला यहाँ पर है आकृति से संबंधित प्रश्न, जो मतलब चित्र वाले से संबंधित प्रश्न था, इससे आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिले थे, समझ गए। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट से जो है एक प्रश्न देखने को मिले थे। लुप्त चित्र ज्ञात करें तथा संख्या बताएं, इससे आपको एक प्रश्न देखने को मिले थे। तो यह 12 चैप्टर जो है बस अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि आपको 8 प्लस नंबर आएगा, समझ गए। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ना क्या है आपको, ये वाला कथन और निष्कर्ष, इससे प्रश्न आपको फिर इस बार जो है मुझे जहां तक अनुमान है 2 से 3 प्रश्न इस बार भी आपको आने वाले हैं, समझ गए। कथन निष्कर्ष से बाकी सब चैप्टर तो आपका इजी है, लेकिन कथन निष्कर्ष आपका हार्ड है, समझ गए, और इसमें बच्चों को फंसा देता है, तो ये चैप्टर पढ़ना बेहद जरूरी है, समझ रहे मेरी बात को। अगला यहाँ पर आपका है पासा, पासा भी पढ़ लीजिएगा, डाइस वाले चैप्टर, समझ गए। कैलेंडर, कैलेंडर से पूछ सकता है, और दर्पण, दर्पण से पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर इससे नहीं पूछा था लेकिन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है,
तो इतना चैप्टर जो है आपको पढ़ना है रीजनिंग में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका कथन निष्कर्ष है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह 12 चैप्टर है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज आप सभी लोग इसको पढ़िएगा, मेरी बातों को विश्वास कीजिएगा, आपको कितना भी रीजनिंग आता है मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी बात को याद रखिएगा, बस ये 12 चैप्टर आप करके जाइए और अगर क्वेश्चन नहीं आता इस चैप्टर से तब मुझे कमेंट करके जितना गाली देना हो उतना दीजिएगा, क्योंकि मैंने 2 दिन मेहनत किया है प्लस प्रीवियस ईयर मैंने एनालिसिस किया था, रिव्यू लिया था सेंटर पर जाकर, तो आप सभी लोगों को मैं गलत नहीं बता सकता हूं। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। ओके।